इस बदले गठवास का कार्य कारण स्वरूप की सिद्धि करने जा रहे। कार्य भी पहले से ही है, कारण भी पहले से ही है। पहले सिद्ध कर दिया, कारण तो सदा रहता है, मृत कहते हैं सत्यम को सिद्ध कर चुके हैं। अब कार्य भी उस मृत में सदा रहता है, बस उसके अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति में फर्क है। तस्मात् विद्यमानस्य घटाधिकारस्य आवृतत्वात् अनुपलब्धिः नष्टपन्न भावा भाव शब्द प्रत्यभेदस्तो अभिव्यक्ति भावयोर् द्विविधत्वापेक्षा। और रही ये जब बात व्यवहार में आता है, नष्टो घटः घटो नष्टः, अतः कहते हो घटो नास्ति, घटो उत्पन्न घटो अस्ति। ये जो चार प्रकार व्यवहार होता है आपके अंदर, कोई पांचवा नहीं है। घटो नष्टा, घटो उत्पन्न, घटो अस्ति, घटो नास्ति, चार के लग कोई पांचवा नहीं है। ये जो शब्द गत प्रत्यय भेद, शब्द निरूपित प्रत्यय भेद, शब्द प्रत्यय भेद ने शब्द निरूपित जो प्रत्यय भेद आप व्यवहार कर रहे हो, घट संबंधी सभी में, घटो अस्ति में भी घटे, घटो नास्ति में भी घटे, घटो उत्पन्न में भी घटे, घटो नष्ट में भी घटे, एक घट अनुस्यूत सर्वत्र, तत्संबंधी अनेक क्रियाओं को शब्द के प्रयोग के द्वारा प्रत्यय में भेद करने का प्रयास जो आप करते हैं, वह अभिव्यक्ति तिरोभाव और द्विविधत्व अपेक्षा। अभिव्यक्ति और तिरोभाव, यही दो की अपेक्षा, अनभिव्यक्ति की अपेक्षा, तिरोमन अनभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति, इन्हीं दो का अपेक्षा करके सारा शब्द व्यवहार होता है। अभिव्यक्त है और घट उत्पन्न बोल दोगे, घट अस्थि बोलोगे, तिरोभूत हो गया अर्थात अनभिव्यक्त दशा को प्राप्त कर गया, अब घटो नष्ट बोल देते हो, घटो नास्ति बोल देते हो। इसे चार विध व्यवहार दो के आधार पर इस चल रहा है। पिंड कपाल आदि आवरण वैलक्षण्याद युक्त चिन्ह, तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं महाराज, ये हम नहीं मानेंगे। पिंडाकारेण घट का आवरण कर दिया मृतिका में, ये आपका कहना ठीक नहीं है कि पिंड बिल्कुल स्वतंत्र वस्तु है, वो कैसे आवरण कर देगा? क्योंकि न्यायिकादि लोग या असत्कारी वाली क्या कहता है, वो अधिष्ठान से भिन्न है, कार्य जो है अत्यंत असत्य है, शून्य आत्मा ही है, और घट जो दिखा है वो असत्य है, या क्षणिक विज्ञान है और घट जो दिख रहा है वो असत्य है। विज्ञान सत्य है किंतु वो असत्य है, और सत्य हो तो वो क्षणिक है, वो एक अलग बात है। सत्य होकर नित्य मानना नहीं मानना एक अलग विषय, शास्त्र का विषय बनता है। सत है होते हुए क्षणिक मानता है, अतएव वो असत क्षणिक वस्तु है, कौन घटादि जो अनुभव में आता है। उस दृष्टि से क्या है, वह पिंड आकार जो प्राप्त कर गया वो अलग हो गया ना, और वो मिट्टी का मरण घट का सामना करेगा। इसे कहते पिंड कपाला देर आवरण वैलक्षण्याद आयुक्तम चिन्ह, पिंड आदि घटादि का आवरण नहीं हो सकता, क्यों? समान देश विद्यमान होते, मृत्यु सुनिश्चित नहीं है। वो तम को कुट्टी को आवरण मानने में तो कोई अपलाप नहीं कर सकता, भाई अंधकार है तो घट नहीं दिखाएगा, अंधकार आवरण है, ये सर्व अनुभव सिद्ध है, उसको कैसे खंडन करेगा कोई? और कुट्टी आदि आवरण है, इसे भी कोई खंडन नहीं कर सकता, लेकिन स्वनिष्ठ आवरण को मानता नहीं, ये नहीं हो सकता। मिट्टी में ही पिंड है, मिट्टी में ही घड़ा है, और मिट्टी में रहने घड़े को मिट्टी में रहने पिंड ने ढक दिया, ये है वो नहीं मानता है, कदा संभव है। समान देश में विद्यमान रहने दो वस्तु परस्पर जो एक दूसरे के आवरक आवरणीय और आवरक भाव नहीं हो सकता, समान देश में दोनों है, कैसे दूसरे का आवरण कर देंगे? इसी प्रकार जैसा प्रकाश और अंधकार दोनों एक देश में रहकर एक दूसरे का आवरण कर नहीं सकता, उसी प्रकार पिंड और घट दोनों मृतिका में रहते हुए पिंड घट को आवरण कर दे, यह असंभव है। उसका स्वयं की व्याख्या कर रहा है, सिद्धांति बाद जवाब देगा। तमह कुड्यादि घटाद्य आवरणम घटादि भिन्न देशम दृष्टम, स्वयं समझा रहा है दृष्टांत, ये बात तो मेरे को समझ में आती है भाई, तम है अंधकार, कुड्डी है दीवार इत्यादि जो है घटादि का आवरण है, और घटादि देश से भिन्न देश में, घट का है मृतिका में और कुड्डी का है मृतिका में नहीं बाहर है, घट मृतिका में अंधकार का है मृतिका से बाहर है, इसलिए वो उनको ढक रहे हैं, ये बात तो समझ में अच्छी तरह से आती है। लेकिन न तथा घटादि भिन्न देशी दृष्टि पिंड कपाल है, लेकिन ये जो पिंड कपाल है घटादि से भिन्न देश में तथा
न दृष्टे, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे घट भिन्न देश में तमा कुट्या दिखाई दे रहे हैं, वैसे घट भिन्न देश में पिंड कपाल आदि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तस्मात पिंड कपाल संस्थान विद्यमान शैव घटस्य आवृतत्वात् अनुपलब्धिरिति अयुक्तम आवरण धर्म वैलक्षण्यादि चेत् न। इसलिए पिंड कपाल संस्थान यो पिंड रूपी संस्थान कपाल रूपी संस्थान इत्यादि विद्यमान शैव घटस्य विद्यमान घट का आवृत कर दे रहे हैं, इसलिए उपलब्धि नहीं हो रही है। ये जो आपका कथन है वह अयुक्त है। आवरण धर्म वैलक्षण्यादि चेत् न, क्योंकि आवरण धर्म वैलक्षण्यात्, आवरण धर्म वैलक्षण्यात्, आवरण धर्म यस तस्मात् कुट्यादि तो वैलक्षण्यात्। आवरण का धर्म क्या है? आवरणीय से भिन्न देश में होना, ये आवरण का धर्म है। आवरण का धर्म क्या है? आवरण का स्वभाव क्या है? घट से भिन्न देश में ही होना, तभी वो अंधकार कुट्यादि घट को दीवार आदि क्या है, घट को आवरण कर रहे हैं। इसलिए आवरण का एक स्वभाव है क्या, वो स्व आवरणीय से भिन्न देश में ही रहते हैं, ये आवरण धर्म है। उससे आपके द्वारा कथन किया हुआ जो दृष्टांत है पिंड से घट का आवरण, वो विलक्षण है। क्यों? वो भिन्न देशस्थ नहीं है, अर्थात समान देशस्थ है। आवरण धर्म क्या है? भिन्न देशस्थ होना। उससे विलक्षण क्या है? अभिन्न देश समान देश में होना। ये आपके दृष्टांत दिख रहा है पिंड आदि स्थलों में, अतएव ये आवरण नहीं हो सकते। यदि चिन्ह कहते समान देश में भी आवरण होता है, तुम्हें दृष्टांत नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं? चलो हम समझा देते। अरे तुम दूध बेचा नहीं है ना, इसलिए हम समझना पड़ेगा। अभी दूध में एक लीटर पानी डाल दो क्या होगा? 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया आदमी ने, अब पानी दिखता नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है ना? वहां जिस देश अवच्छेद दूध है उसी देश अवच्छेद जल है, फिर भी वह दूध जल को आवृत कर दिया। घी है आपके पास, उसमें डाल दिया आपने कौन सा तेल, पीला रंग वाला नहीं डालना है, तो रंग गड़बड़ा जाता है। घी भी पीला रंग का हो तो क्या कहना है, और आजकल की घी में तो पीला रंग होता नहीं है। इसलिए इसमें मिला देना तिल का तेल तो बढ़िया है, नारियल का तेल तो क्या होगा, घी तेल मिल जाए, एक हो जाए, पता ही नहीं चल। और घी क्या कर दिया, तेल को आवृत कर दिया। मैंने जो भी ज्यादा मात्रा में रहेगा वो क्या करेगा, उस न्यून मात्रा उस देशस्थ को आवृत कर देता है। समान देश में विद्यमान दो वस्तुओं का परस्पर आवर्ती और आवरणीय आवरक भाव अनुभव सिद्ध है। इसे समान देशस्थ दो वस्तुओं का परस्पर में आवरणीय आवरक भाव नहीं है, यह आपका कथन गलत हो गया, पूर्व पक्ष खंडन हुआ। इसलिए कहते हैं क्षीरोदकादि ही क्षीराद्य आवरणेन एक देशत दर्शनात्, क्षीर उदक आदि ही, इसलिए घृत तैल आदि दृष्टांत ले लेना पड़ेगा। क्षीरादि आवरण के द्वारा एक देश तत्व देखा गया, एक देश स्थित वस्तुओं का भी परस्पर आवरणीय आवरक भाव देखने को मिलता है। यथा तथा घट पिंड आदि में परस्पर आवरणीय आवरक भाव होने में कोई आपत्ति नहीं। तब पूर्व पक्षी कहता है अच्छा घटादि कार्य कपाल चूर्ण आदि अवयवाना मंत्र भाव अनावर्तन, अरे वहां पर दोनों का अवयव अलग अलग है ना। अरे जल तो जल है, दूध तो दूध है, दूध का अवयव अलग है, जल के अवयव अलग है। इसे दूध का अवयव के पीछा पीछे घुस गया है जल का अवयव, इसने दूध जल के अवयव को ढक दिया, ये तो बात संभव बनता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, जो पिंड का अवयव है वही घट का अवयव है, इसने पिंड अवयव घटावय को कैसे आवरण करेगा? बड़ा युक्ति है, वही पकड़ता है दृष्टांत में दोष को पकड़ लिया उसने। कहते दूध जल और घी तेल का जो दृष्टांत दे रहे हो ये ठीक नहीं, क्यों? तो दो भिन्न भिन्न स्वरूप है ना, इसका अवयव रूप अलग है, उसका अवयव स्वरूप अलग है। एक अवयव स्वरूप दूसरे अवयव स्वरूप अभिभूत करके जो है छपा दिया, ये तो हो सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा ही नहीं, जो घट का अवयव है वही पिंड का अवयव, जो पिंड का अवयव है वही घट का अवयव है, इसलिए वो स्व स्वयं को ही कैसे आवरण करेगा, ये तो हो नहीं सकता। कहता है घटादि कार्य में तो ये मामला बनता नहीं, क्यों? कपाल चूर्ण आदियों का जो अवयव है उसी में ही घटादि कार्य अंतर्भाव, घटादि कार्य अंतर्भूत है, भिन्न भिन्न अवयव वाले दो कार्य नहीं है, अतः दूसरे का आवरण नहीं कर सकते। समान देशस्थ होने के बावजूद भी भिन्न अवयवों का एक परस्पर आवरण आवरक भाव है, अभिन्न अवयवों का नहीं, ये पूर्व खड़ा किया। विभक्तानां कार्यांतरत्व आवरणत्व उपपद्य है, स्पष्ट कर दिया। देखो भाई विभक्तानां
परस्परम भिन्नानाम कार्यांतरता, ये कार्यत्व दृष्टिया परस्पर भिन्न मानते हो मानते नहीं, नहीं तो पिंड घट में अंतर क्या रहेगा। आप नैया कौन से पूछेंगे भाई, आपने कह दिया जो पिंड कर वही घट करोगे, फिर आप कहते पिंड और घट में कोई कार्यकारण भाव नहीं रहेगा। आप मानते ना नैया पिंड से भिन्न घट है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ये समान अवय वाले तो भिन्न कहां से हो गया, इसे कार्यकारण भाव कैसे बनेगा? इसलिए आप को कहना पड़ेगा अब मैं पिंड रूप में देख रहा हूं, बाद में घट रूप में देखूंगा। जब घट रूप से देखूंगा उन्हीं अवयवों में, वो घट रूपी कार्य अलग है, अब वर्तमान पिंड रूपी कार्य से भिन्न मानोगे कि नहीं मानोगे? ये नहीं माने तो न्याय दर्शन में व्यवस्था नहीं है, कोई युक्ति नहीं है उसके पास। क्षण विज्ञान से घट को मानता कि नहीं मानता है? नहीं तो घट में हम पश्चावी कैसे क्षण बौद्ध व्यवहार करेगा? जो बौद्ध व्यवहार करेगा घटम अहम पश्यामी, वह स्व क्षण विज्ञान भूत अहम से भिन्न घट को मानता कि नहीं मानता है? मानना पड़ेगा उसे। तो मानोगे तो विभक्त आपने मान लिया, विभक्त है तो फिर दो का ही भले एक अवयव निष्ठ क्यों ना हो, समान अवयव में निष्ठ, समान देश में निष्ठ, विभक्त बुद्धि से गृहित दो कार्यों के परस्पर आवरण भाव में कोई दोष नहीं है, ग्रहण हो सकता है। सिद्धांत इसी से विवर्तवाद सिद्ध होता है ना, नहीं तो विवर्तवाद आएगा कैसे? यही इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं विवर्तवाद कार्यकारण भाव में सिद्ध करने के लिए। कभी विभक्तानां कार्यांतरत्वात्, विभक्त दो वस्तुओं को आप कार्यांतर मानते हो, भले वो समान देश में है, समान अवयवों के द्वारा निष्पन्न रहता है, समान अवयवों में ही विद्यमान रहता है, फिर भी आप विभक्तों को कार्यांतर मानते हो, इसीलिए आवरण उपपत्ति है, परस्पर आवरणीय आवरकत्व भाव उपपन्न हो जाएगा। हार गया, मान लिया, चलो महाराज मान लिया, आवरण है पिंड घट का आवरण है ये मान लिया, लेकिन प्रयत्न फिर घट क्यों उत्पन्न करने चाहते हो? यदि घट पहले से विद्यमान है आवरण को हटाओ, जैसे घट पहले से विद्यमान है, कपड़ा ऊपर थी, कपड़ा हटाया, घट को उत्पन्न किया क्या मैंने? हमारा सब प्रयत्न क्या होता है, केवल आवरण को भंग करने के लिए। आपके वेदांत का असली जवाब जो बहुत पहले पूछा था आपने, कि जो है आप जो आवरण को हटाने में क्यों नहीं प्रयास करते, ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास करने के, ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं, ये आपने कहा था, अब जवाब देंगे जरूरत है। आवरण भंग करना है तो बिना विद्या को उत्पन्न किए आवरण भंग नहीं हो सकता। जिस आप घट को अंधकार में देखा, अंधकार में आवरण है, अंधकार आवरण है किसका? घट का। उसमें आप अंधकार को दूर करते हो कि दीपक को उत्पन्न करते हो, ये बताओ? आप अंधकार को क्यों हटाइए, क्या जरूरत है दीपक जलाने की? दीप को उत्पन्न किए बिना आप अंधकार को हटा ही नहीं सकते, कैसे हटाओ? आप ये हट करो, नहीं आवरण भंग मात्र जरूरी है तो करो, फिर हटाओ आवरण भंग करो, फिर आप कोई चीज उत्पन्न किए। इसलिए जान के शास्त्र उठा रहे हैं, पूर्व पक्ष कहता है ठीक है मान लिया पिंड घट का आवरण है, तो ठीक है पिंड को हटाओ ना। आप ये प्रयास क्यों कर रहे हैं, घटोत्पत्ति का प्रयास करने की क्या जरूरत है पूछ रहा है। आप चक्र में लगे रहते हो, घुमाते हो, पसीना धूप में परेशान, अरे भाई पिंड को हटा दो बात खत्म, घट उत्पन्न है, घट तो है ही है वहां पे। आप कहते हो घट तो पहले से विद्यमान है, तो पिंड को हटाओ आवरण को, तो घट अभिव्यक्त हो जाना चाहिए, और घटोत्पत्ति के लिए पृथक जो आप प्रयास करते हो करते हो वो तो उचित नहीं है। आवरण भाव एव यत्तः कर्तव्येति थी चेत, पूर्व पक्षी स्वयं की व्याख्या करता है, पिंड कपाल अवस्था और विद्यमान मेव घटारी कार्य आवर्तत्वात् नोपलभ्यते। यदि तुम कहते हो पिंड कपाल अवस्था विद्यमान ही घटारी कार्य आवृत है इसलिए उपलब्ध नहीं होता है, फिर तो आप उनको निवृत्त कीजिए। घटाद कार्यार्थी नवरण विनाशी कर्तव्य न घटाद उत्पत्त, इसे करना क्या चाहिए, घटारी कार्य को प्राप्त करना जो चाहता है उस अर्थी के द्वारा, तो आवरण विनाशी है पिंड रूपी आवरण नाश, कपाल रूपी आवरण है जो, उसका नाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न घटादि उत्पत्त, घटादि उत्पत्ति करने के लिए कोई प्रयास नहीं करनी चाहिए। न चाहिए दस्ती, इन्हें ऐसा दुनिया में हमने देखा नहीं, लोग तो लगे रहते घटोत्पत्ति में, आवरण भंग करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता,
और कुणाल से पूछो, कुणाल भी यही कहेगा मैं थोड़ी पिंड को भंग कर रहा हूँ भाई, मैं आवरण भंग तो कर नहीं रहा हूँ, वो ठीक है मैं तो घट को भंग कर रहा हूँ। हाँ, व्यवहार में उस कार्य को उत्पन्न करने वाले से पूछ के देखो, वो कभी ये नहीं कहेगा घट का आवरण पिंड है और मैं पिंड को हटा रहा हूँ तो कि घट अपने आप अभिव्यक्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो यही कहेगा मैं तो घट उत्पत्ति के लिए पूरा प्रयास करता हूँ, मैं तो पिंड उंड को भंग तो करना ही रहा, आवरण भंग किए बिना केवल घट उत्पत्ति से मेरा काम चलता है, ऐसा वो कहेगा ना। इसलिए अनुभव विरोध है ये, नचैतदस्ति तस्माद् युक्तम। इसलिए आपका विचार जो आप कहते हो पिंड घट का आवरण है और जो है आवरण भंग से कार्य सिद्ध होनी चाहिए, बात उचित नहीं, अयुक्तम। विद्यमान आवरतत्वात् अनुपलब्धिरिति चेत्, इसलिए ये मानना पड़ेगा विद्यमान वस्तु का ही आवृत होने पर उसकी अनुपलब्धि होती है। पूर्व पक्ष अपनी बात ला के खड़ा कर दिया, विद्यमान होते हुए अनभिव्यक्त और अभिव्यक्त का प्रश्न खत्म कर दी, दोबारा उसने लाया विद्यमान होते हुए जो तम कुटिया से जिस आवृत बाह्य स्वभिन्न देश के द्वारा आवृत होने पर ही उसका निवारण करने के द्वारा उपलब्धि होती है, मानना पड़ेगा। इति चेन्न, अब सिद्धांत नियम, ये कोई नियम नहीं विनाश मात्र प्रयत्न देव घटाद्य अभिव्यक्त नियता, यह कोई नियत नहीं है। आवरण को भंग करने पर अभिव्यक्ति होगी, यत्र यत्र आवरणं भज्यते तत्र तत्र वस्तुना अभिव्यक्ति स्यात्, एक कोई व्याप्ति नहीं बनेगा। ठीक है, जहां घट को कंबल से ढके हो, कंबल को निकाल दिया आपने तो हो गया, इसका मतलब है ना कि सर्वत्र नियम लागू हो जाएगा, ये नियत नहीं है। क्यों? उसी घट को जब कंबल से आवृत नहीं है, मान लीजिए अंधकार से आवृत है, तब दीपोत्पत्ति करते हो कि नहीं करते हो? कोई कार्य भाषिकार विनाश मात्र प्रयत्नादेव घटादि अभिव्यक्तिरी नियता इति नहीं नियता। क्यों? तमाद्यावृत्ते घटादो प्रतिपाद्युत्पत्त प्रयत्न दर्शना, इसलिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा अविद्या रूपी आवरण भंग करने के लिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तभी जब अविद्या रूपी आवरण भंग हो सकता है इसकी, क्योंकि ये ऐसा है तमा के समान है ना अविद्या, तमा के कोई भाव पदार्थ तो है नहीं, कंबल जैसा वस्तु है क्या अंधकार? तो कारण से कार्य में कहाँ जा रहे हैं आप भी तो कार्य बने हो, जीवात्मा क्या है स्वपाधिकारी है, उस कार्य से कारण में जाना है तो तभी जरूरत पड़ेगा आवरण भंग, और कारण से कार्य आने के लिए भी आवरण भंग जरूरी है, आवरण को उत्पन्न करना ही पड़ेगा ना, दोनों ही अवस्थाओं में कार्य मिलेगा वहां पर। हाँ हाँ, घट भाव में आए, कारण से कार्य में आने के लिए भी अनेक, वहां पर भी हम क्या करते ब्रह्म क्या है कार्य में आने के लिए माया थी, माया को पहले भंग करो, वो क्या भंग करेगा मतलब क्या छो साम्यवस्था है ना, साम्यवस्था को भंग किया तो महातत्व पैदा हो गए, अनेक अवस्था होते थे जीव आ गया, अगर जीव को वापस ले जा रहा तो भी अनेक आवरण भंग करना पड़ेगा, दोनों ही स्थिति में यहां से वहां जाओ यहां से यहां आओ एक दूसरे का आवरण मानी जाएगी, और घट नाश हुआ तो क्या है कपाल, पहले क्या था कपाल नाश हुआ घट हुआ, कपाल भी आवरण को भंग करने पर ही घट बना था, और घट को नष्ट किया तो क्या आया वापस कपाल, न्यायिक भी बोलते हैं कपाल घट ध्वंस कहाँ है, घट ध्वंस का अधिकरण कौन है, न्याय दर्शन में भी कपाल है जो टुकड़े पड़े वो ही है, कपाल ध्वंस करो कहाँ जाएगा चूर्ण में जाएगा, तो वापस उनको भी ऐसे ही लौटना पड़ता है। इधर यहाँ पर हम कार्य ध्वंस करेंगे तो ये तो वहां पर भी आनंद विमान से उपसंक्रमण के लिए तो विचार चल रहा है, वापस उसी क्रम से लौटना पड़ेगा जिस क्रम से उत्पन्न हुआ है, पूर्व पूर्व जो है उत्तर उत्तर की आवरण है और उत्तर उत्तर की पूर्व पूर्व आवरण बनता है, इसलिए यहां कहते हैं ये तमाद्य आवृत है घटा दो प्रतिवादी उत्पत्त प्रत्यदर्शना सो भी तमो नाशा यही वही चेत, पूर्व पक्षी कहते हैं अरे वो भी तम को नाश करने के लिए, कहते ये तो हम भी कह रहे हैं ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति अविद्या का नाश करने के लिए, ब्रह्म की उत्पत्ति करने को थोड़े ब्रह्म को थोड़े उत्पन्न करना है हमें, तो कोई अभी विरोध नहीं बनता, इसे तो वह भी तम का नाश करने के लिए यदि कहते हो कोई बात नहीं,
दृष्टांत हो गया व्याख्या स्वयं पूर्व पक्ष क्या कर रहा है पहले दीपादि उत्पत्ति यह प्रयत्न सोपि तमस तिरस्करणाय तस्मिन् नष्टे घट स्वयं उपलभ्यते नहीं घटे किंचित आदियति चेत न ऐसे नहीं कहना नहीं घटे किंचित आदियति ये बात को खंडन में करना है नहीं घट में हम आदान कर रहे हैं यहाँ भी स्वरूप आनंद का आधान होता है ना आपके अंदर जो थी अल्पज्ञत्व को त्याग करके अब वो आपके अपने परमानंद रूपता को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ब्रह्मैव हम ब्रह्मैव क्यों बोलते हैं ब्रह्मैव हम अस्मि जो बात होता है तो ये क्यों वो इसीलिए पहले वो स्वरूप नहीं थी अब उससे हम हट के आवरण से हट के जब आ गए उस स्वरूप का हमें आदान करना ही पड़ता है घट अभिव्यक्त हुआ या घट है ये बोलना पड़ेगा तभी वो मानी जाएगी चल घट भी पहले से सिद्ध है तो हम भी कह रहे हैं लेकिन आधान तो करनी ही पड़ती है नहीं आधान करोगे तो घट कैसे वो व्यवहार करोगे सिद्ध वस्तु है ठीक है लेकिन अभिव्यक्तता का निश्चय कैसे हुआ स्वरूप अभिव्यक्त है ये कैसे मालूम होगा आपको बोलना पड़ेगा ना आवरण भंग हुआ है ये कैसे पता चले आपको कैसे आ जाएगा नहीं हो सकता आपको बोलना पड़ता है घटो अस्थि ये बोले बिना नहीं चलेगा नहीं तो घटो नष्ट क्यों नहीं बोला आपने हाँ वहां भी अनुभूति को भी बोलना पड़ेगा यहाँ भी घटानुभूति को बोलते हो वहां भी ब्रह्मानुभूति को बोलना पड़ता है नहीं बोले तो क्या होगा पता नहीं चलेगा जट समाधि में होगी आप किस अनुभूति में हो प्रकाश होने के बावजूद भी आवरण भंग होने के बाद स्वरूप की प्रत्यक्षता में ही धन्यों से धन्यों में कहा जाता है उसके बिना निश्चय नहीं होता जट समाधि में है आप उस समय स्वप्रकाशता है स्वप्रकाशता अभी भी है फर्क कहां पड़ रहा है स्वप्रकाशता ने किसी भी अवस्था में स्वप्रकाशता का फर्क नहीं पड़ता किसी भी अवस्था में घट के में कोई फर्क नहीं है घट तो वैसे ही है सदा एक रूप ही है लेकिन उसके अभिव्यक्ति और अनिव्यक्ति के व्यवहार में अंतर करना ही पड़ता है नहीं तो पहले अनिव्यक्तता और अभिव्यक्त हुआ ये कैसे बोल रहे हैं आप अनिव्यक्तता भी अभिव्यक्ति के सापेक्ष है और अभिव्यक्ति भी अनिव्यक्तता का सापेक्ष है अभी अनुभव में नहीं आ रहा है अनुभूति नहीं है तो आप अनिव्यक्त कहते हो अतएव जब अभिव्यक्त हुआ है तो अनुभूति प्रकट करनी ही होगी तभी अभिव्यक्ति का समर्थन होता नहीं तो नहीं हो सकता इसलिए कहेंगे देखो और विचार चलेगा तस्मिन् नष्टे घट नष्टे कहते इसलिए सोपि तवस्तिष्करण आया तस्मिन् नष्टे मने तम का नष्ट हो जाने पर घट स्वयं ही उपलब्धते घट स्वयं ही उपलब्ध होता है और उस घट में नहीं किंचित आदियते इति चेत और घट में कुछ और आदान हुआ ही नहीं है यदि ऐसा कहता है तो नहीं प्रकाशवत घटस्य उपलब्धमानत्वात् प्रकाशवान घट को आप सब प्रकाश रूपेण आत्मा का अनुभव करना ही होगा इसलिए साक्षात्कार कहते इसको कहते हम साक्षात्कार करना और कुछ नहीं प्रकाशवान घट का उपलब्धि ही यहाँ पर व्यवहार में करना पड़ता है यथा प्रकाश विशिष्टो घट उपलब्धते प्रदीप करणे न तथा प्राग प्रदीप करणात आ गया ना जिस प्रकार प्रकाश विशिष्ट घट आप अनुभव कर रहे हो सदा सब प्रकाश है लेकिन सब प्रकाश है स्वरूप मेरा ऐसा कैसे कब हुआ जब विद्या की उत्पत्ति हुई तब उसे पहले नहीं हो सकता इसे जैसे दीपक से दीप का उत्पत्ति हुई तभी आपको प्रकाश घट का अनुभव हुआ दीपोत्पत्ति के बिना प्रकाश घट अनुभूति नहीं इसे प्रविद्या उत्पत्ति के बिना सब ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकता वह अनुभूति स्वरूप है सब कुछ है यावत पर्यंत आप यथार्थ कार्य कारण भाव के लिए विचार करेंगे तावत पर्यंत इस स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा उसके बिना नहीं होता या तो फिर अजातवाद में चले जाओ बात अलग चीज है वो अजातवाद के बाद खिचड़ी नहीं करनी है यहाँ जिस प्रकार के कार्य कारण भाव को लेकर विचार चल रहा है उस दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो वो कहना ही पड़ेगा सब प्रकाश विशिष्ट अहम नित्य उपलब्धि स्वरूप अहम बोला कि नहीं बोला है अनेक प्रकरण ग्रंथ जो आप देखते हैं अनेक स्तोत्र ग्रंथों में इसलिए कहा जाता है चीजें सच्चिदानंद रूप हम न भोक्ता न भोज्यम न चैव भोजनम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम जितने भी ऐसे क्यों बोलना पड़ रहा है सब प्रकाश नहीं वो विद्योत्पत्ति के बाद
पूर्व कालीन जो अप्रकाश विशिष्ट ब्रह्मानुभूति को निवारण करके सब प्रकाश ब्रह्मानुभूति को प्रकट करता है। इसलिए कहते हैं यथा प्रकाश जो घटा उपलब्ध प्रदीप करणी न तथा प्राक प्रदीप करणात तस्मात न तमह तिरस्कार प्रदीप करणम किंतरी प्रकाशवत्वाय। इसलिए केवल तमह का तिरस्कार करने के लिए मैंने प्रदीप को उत्पन्न नहीं किया किंतु प्रकाश से विशिष्ट घट को उत्पन्न करने के लिए ही हमने किया है। उस घट में प्रकाशवत्व को लाने के लिए प्रदीप को लाया जाता है। तस्माद न तमस तिरस्कार प्रदीप करण किंतरी प्रकाशवत्वाय प्रकाशवत्व नैव उपलब्ध मानत्वात् क्योंकि प्रकाशवत्व नहीं उपलब्ध होता है सब प्रकाशत्व नहीं वो उपलब्धि हो सकती है अन्य रूपेण नहीं हो सकता। क्वचित आवरण विनाश यह जरूर है कहीं कहीं पर आवरण का विनाश करने के लिए हमें यत्न करना पड़ता है यथा कुट्यादि विनाश है जिस कुट्यादि का विनाश भी तस्मात न नियमो अस्ति अभिव्यक्ति अर्थिना आवरण विनाश एव यत्न कर्तव्य कार्य इसे कोई नियम नहीं रह गया पर अभिव्यक्ति के अर्थी के द्वारा आवरण नाश करना में ही प्रयत्न करना चाहिए यह नियम नहीं रहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं नियमार्थवत्वाच्च कहते हैं नियमार्थवत्वाच्च ये भी मानना पड़ेगा कार्य पहले से ही था कारण में इसलिए क्योंकि नियम पूर्व प्रवृत्ति देखने को यदि आवरण का नाश मात्र से ही कार्य उत्पत्ति होने लग जाए अंतिम ध्वस्त कर देंगे घटोत्पन्न हो जाए नहीं उस पिंड को घटाकार प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट प्रवृत्ति होती है बंड चाहिए चक्र चाहिए सब चाहिए ना उसके में कैसे हो जाए और कुणाल वो हिसाब से प्रवृत्त करेगा हम लोग बनाने की चेष्टा करते नहीं बनता नियमार्थ प्रवृत्तेश्च नियमार्थ प्रवृत्त नियमार्थवत्वाच्च नियमार्थ वत्वाच्च ये जो कह रहे हैं भाई ये क्योंकि विचार चलता ना विद्या उत्पन्न करने कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं आवरण भंग करने से काम हो जाएगा कहते ऐसा नहीं नियमार्थ वत्वाच्च एक नियम पूर्वक प्रवृत्ति देखने को मिलता है नहीं तो पिंड को नष्ट कर दो चूर्ण हो जाएगा कपाल होगा कपाल को नष्ट कर दो चूर्ण हो जाएगा चूर्ण को नष्ट कर दो परमाणु तक चला जाएगा तो शून्य तक जाएगा बौद्ध के हिसाब से लेकिन घट तो बनेगा ही नहीं आवरण भंग करते जाए अंत में क्या रह जाता है कुछ हाथ नहीं लगेगा शून्य हो जाएगा भले लेकिन घट बन जाएगा क्या वही कारण ही वर्तमान कार्य कार्यांतराणाम आवरण मित्योचाम कारण में विद्यमान जो कार्य है मैंने पिंडादि कारण मृतिका में विद्यमान जो पिंडादि हैं वे क्या है कारणांतराणा मैंने घटादि नाम प्रति आवरण इत्यवचाम यह बात मैंने पहले कह दिया है। तत्र जो पूर्वाभिव्यक्त से कार्य से पिंड से विभिन्न से व कपाल से विनाश एवं क्रियता वहां यदि मान लीजिए पूर्व पक्ष कथन के आधार पर हम केवल इसके विनाश करने की प्रयत्न करेंगे और उत्पत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे यदि पूर्वाभिव्यक्त से कार्य से पिंड से पूर्व में अभिव्यक्त कौन है वहां कार्य पिंड है अतः मान लो कपाल तक पहुंचे हुए कपाल है विवाहित कपाल से विनाश एव उसका विनाश करने में ही यत्न क्रियता प्रत्र किया जाए तदा विदल चूर्णादि कार्य जाए तब क्या उत्पन्न होगा टुकड़े उस पिंड का टुकड़े हो जाएंगे अथवा और उसको भी नष्ट कर दो चूर्ण हो जाएगा चूर्ण को नष्ट करो तो नहीं है कि भाषा में जाओ त्रिश्रेणु बनेगा उसको नष्ट करो ऋणुक बनेगा उसको नष्ट करो परमाणु बन जाएगा और उसको भी बहुत के साथ चलो नष्ट कर डालो तो शून्य हो जाएगा घट कहाँ बना लेगा घट तो बनने से रह गया तो विदल चूर्णाद्य भी कार्य जाए तो तेना भी आवृत घटो नोपलभ्यता
उससे भी आवृत हो जाएगा। पहले पिंड से आवृत है घट, अब क्या हो गया विदल से आवृत हो गया टुकड़ों से, और टुकड़ों को भी आप नष्ट कर दिया, अब चूर्ण से आवृत हो गया। लेकिन घट तो अभिव्यक्त ही नहीं हुआ, जो एक आवरण था आवरण के स्वरूप बदलते जा रहा है, इन घट पर कार्य विव्यक्ति नहीं हो रही। इसे स्वरूपाभिव्यक्ति के लिए केवल विद्या नाश करने का प्रयत्न मात्र करने से काम चलता नहीं, विद्या उत्पत्ति करने के लिए प्रयास करना ही होगा, तभी अविद्या का नाश होता हो जाएगा, विद्या उत्पत्ति होगी, अविद्या अपने आप नष्ट हो गया, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए दृष्टांत भी देंगे, तेनापि आवृत घट नोपलभ्यते पुनः प्रयत्नांतर अपेक्षा एव, पुनः प्रयत्नांतर अपेक्षा तो रह गया, घट को प्रकट करने के लिए घट को अभिव्यक्त करने के लिए अब प्रयत्नांतर की अपेक्षा रह जाएगी। तस्माद् घटादि व्यक्त्यर्थो नियत एव कारक व्यापारो अर्थवान, इसलिए घटादियों का कार्यों की विशिष्ट कार्यों का विभक्ति का जो चाहता है व्यक्ति, विभक्ति का जो अर्थी, उसके द्वारा नियत कार्य कारक व्यापार को देखता हो जाएगा, वह कारक व्यापार क्या है अर्थवान से, उस अर्थी के नियत जो कारक व्यापार है वो अर्थवान हो जाता है। तस्मात प्राग उत्पत्ति रेव सदैव कार्य, प्राग उत्पत्ति रपी सदैव कार्य, इसलिए उत्पत्ति से पहले भी कार्य सत है, यह बात सिद्ध हो गया। कारण नाश तो होता नहीं किसी वस्तु की, विवर्तवाद में तिरोभाव और आविर्भाव है, और तो उनकी भाषा से बोला जा रहा है, उसने कहा था नाश की बात उठाई थी, ठीक है भाई नाश की भाषा ही ले लो, तुम पिंड को नाश किए बिना घट उत्पन्न नहीं हो सकता। तब उसने कहा कि नहीं पिंड को नाश कर रहा हो केवल उतने से घट उत्पन्न होनी चाहिए, यदि पिंड आवरण है तो घट उत्पत्ति के लिए पृथक प्रयास मत करो। उसके लिए कहा कि नहीं नहीं नियमित प्रवृत्ति हो रही, घट जिस प्रकार घट को उत्पत्ति के लिए जो कारक व्यापार किया जा रहा है वो भी प्रयोजन वाले इसे वाना इसलिए ही है, क्योंकि केवल पिंड का नाश करने से घट को उत्पत्ति नहीं होता। पिंड नाश मात्र की हम प्रयत्न करें और पिंडोत्पत्ति का कोई प्रयास विशिष्ट कारक व्यापार न करें तो क्या होगा, नाश का व्यापार अलग चीज है, उत्पत्ति का व्यापार अलग चीज है। पिंड को नष्ट करना है तो डंडा मार दो, मामला खत्म, या वो पिंड गीला है तो उसे टुकड़े उकड़े में फेंक दो, नष्ट हो गया पिंड, सगे इसलिए ना विदल हो गया, उसका नाश की क्रिया से क्या होती है, उस नाशानुकूल जो कारक व्यापार है वो क्या होगा, उसके अंदर विदल पैदा करेगा, टुकड़ों को पैदा करेगा, उसके भी नाशानुकूल व्यापार करेंगे आप उसे चूर्ण ही बनेगा, इन घटाभिव्यक्ति नहीं होगी। इसलिए इनका कहना है कि नाशानुकूल व्यापार से कार्य सिद्धि कार्याभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसके लिए हमें क्या करेगा ऐसे कारक व्यापार विशेष करना पड़ेगा जो कि नियमित है, वो नियत है, किस प्रकार के कार्याभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार के कारक व्यापार होना चाहिए वो नियमित है। अब जैसे घट को बनाने के चूल्हा के ऊपर बैठ जाए और घटर 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 करते रहे तो घट कहां से बने, वो तो कपड़ा बनाने वाला मशीन है, वहां घट बनाने कहां कोशिश करोगे, ही व्यापार अलग कार्य उत्पत्ति के अनुकूल व्यापार है ना कारक व्यापार, वो नियत कारक व्यापार भी अर्थवान प्रयोजन वाला है, ये तात्पर्य करना है। अतएव नाश व्यापार से भिन्न कारक व्यापार की जरूरी है, और वो कारक व्यापार जो उत्पत्ति के अनुकूल कारक व्यापार है उस कारक व्यापार के माध्यम से बिना पृथक नाश व्यापार किए ही वह जो पहले आवरण कार्य था वो क्या हो जाएगा, अभिभूत हो जाएगा और नवीन कार्य अभिव्यक्ति हो जाती है। यह वेदांति का अपना सिद्धांत इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, कार्य सत पहले से विद्यमान था, वो मानेगा थोड़ी अभी, बहुत शास्त्र तभी चलना बाकी है, और हेतु देगा अब जो उसका खंडन करेंगे, कार्य के सत्व में युक्ति अंतर दे रहे हैं क्या, अतीत अनागत प्रतिभेदाच, अतीत और अनागत प्रत्यय का भेद भी है, घटो आसीत, घटो आसीत भी प्रयोग कर रहे हो आप, घटो भविष्यति प्रयोग करते हो, घटो अस्ति प्रयोग करते हो। वर्तमान काल में तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वहां तो हमें कोई कथन करना है नहीं उस विषय में,
कि घट सामने इंद्रिय का विषयत्व विद्यमान है, वहां पर इसलिए घटोस्थि प्रयोग हो गया, ठीक है। यदि आपके अनुसार घटोत्पत्ति से पहले घट है ही नहीं, कार्य किसी रूप से विद्यमान नहीं है, अभाव है, प्राग अभाव है, ऐसे कहते हो फिर घटो भविष्यति व्यवहार कैसे हो गया? अविद्यमान का विद्यमान, भविष्य में विद्यमान का कैसे कर लोगे आप? अभाव से भावोत्पत्ति तो होती नहीं, और जो अभाव है, जो असत्य है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। अब इसलिए अभावों को भी चर्चा करेंगे, अभाव भी भाव पदार्थ सिद्ध करेंगे, अभाव भी वास्तव में भाव ही है। अतीतो घटो अनागतो घटा इत्येतयोश्च प्रत्ययोर् वर्तमान घट प्रत्यवत् न निर्विशेषत्वं युक्तम्। अतीतो घटे ज्ञान हो रहा है, अनागतो घटे जो ज्ञान हो रहा है, ये दोनों ही प्रकार का जो ज्ञान है वर्तमान घट ज्ञान के समान होने के नाते वे ज्ञान निर्विशेष अविद्यमान विषय नहीं हो सकता। यदा घटोस्ति यह वर्तमान विद्यमान घट विषय का ज्ञान है, विद्यमान घट विषय का ज्ञान जैसा है उसी प्रकार से वह घटो भविष्यति या घटो अनागतः घटो अतीतः इत्यादि भी क्या है? विद्यमान घट विषय ही है। और किम रूपेण विद्यमान एक अलग बात है, कमुग्रीवाद्य आकारेण विद्यमान है या नहीं ये एक अलग चीज। घट अतीतो घट में क्या है? कम्बुग्रीवादी आकार आप भी नहीं मानते हो। जब नैया से पूछा जाए नष्ट हो घट कहते व्यवहार, अतएव घटो अतीता हो, इस व्यवहार में घट का क्या स्वरूप? आवे कपालादि रूपेण घट विद्यमान है तो सही, नहीं तो क्यों नहीं कहते हो कपालो अस्थि घटा घट प्रध्वंस अभाव अस्थि कैसे बोल रहे हो आप? इसके आप जो उन कपालों में घट का स्वरूप को देखा, प्रतियोगी के अनुभव के बिना तद अभाव का अनुभव नहीं कर सकते आप। इतना ही अंतर है उनके यहां भी क्या, प्रतियोगी का विज्ञान की अपेक्षा अभाव के लिए, प्रतियोगी का इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं है। यदि प्रतियोगी इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष हो गया फिर अभाव का असर नहीं हो सकता कि तदवत्ता बुद्धि प्रति तद अभाव बुद्धि प्रतिबंधक यथा तद अभाव बुद्धि प्रति तदवत्ता बुद्धि अभी प्रतिबंधक अवश्य। अतएव जो है जहां इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष हो गया वहां पर वो घटाभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। अति इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष घट ज्ञान की अपेक्षा नहीं है अभाव ज्ञान के लिए, किंतु घट ज्ञान की अपेक्षा है, क्योंकि प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं हो सकता। घटाभाव जब बोलने के लिए आपको घट को जानना जरूरी है, विज्ञान की अपेक्षा है, प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं। और विज्ञान जब है कह रहे हो घट विज्ञान है आपके पास, घट विज्ञान का स्वरूप क्या है? यदि नष्ट है फिर भी विज्ञान है उसकी, तो किन रूप में उसका विज्ञान है? अब कहां आपका विज्ञान हो रहा है जिसके अभाव आप उस अधिष्ठान में कथन कर रहे हो? तो कपाल रूपेण देख ही रहा है, इसलिए कहेंगे देखो यदि प्रत्यय वर्तमान घट के समान, घट का ज्ञान के समान यह भी ज्ञान है, अतएव यह निर्विषयक नहीं हो सकता। अनागतार्थ प्रवृत्तिश्च, और अनागत घट के लिए को उत्पन्न करने का जो इच्छुक पुरुष है उसकी प्रवृत्ति भी देखने को मिलता है। नहीं असति अर्थितया प्रवृत्ति लोके दृष्टा, जो वस्तु है नहीं, असति वस्तु नहीं, जो वस्तु विद्यमान है नहीं, उस वस्तु का जो है आकांक्षा पूर्वक प्रवृत्ति होता हुआ लोक में देखने को नहीं मिलता। यह पता चल जाए जैसा भी एक घटना घटी, देखो समय पर अगर अपने आप वो घटना भी घटती है दृष्टांत बन जाते हैं। कल की ही बात, एक आदमी आया और बोलने लगा महाराज अब क्या करें, बड़ा दुखी हम लोग हो गए, जिसको आपने पहले तय करके दे दिया तो गड़बड़ हो गया। एक लड़के के लिए उन्होंने लड़की तय की थी, आए थे कुंडली उंडली मिलान उलान करके तय कर दिया गया था, ठीक है तय हो गया। और उसके बाद उन लोगों के आपसी परिवारों की बात हुई, लड़की को देखने का तारीख तय हो गया, ठीक है ये लोग यहां से चल पड़े भोपाल लड़की को देखने के लिए। और ये ट्रेन में जा रहे हैं दिल्ली से, पार गए दिल्ली से भी बात हुई फोन पे, हम अमुक ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है हम सब तैयार हैं, वहां से सूचना मिली लोग यहां से गए।
यहाँ वो ट्रेन पहुंचती है, फिर रात्रियां बैठे सवेरे पहुंचेगा, 8-10 घंटा तो लगना ही था। इसी बीच में क्या हुआ कि वो गड़बड़ हो गया, वो लड़की को पता नहीं छाती में दर्द हुई, अस्पताल ले गए करीब 12 बजे रात और 2 बजे सवेरे स्वाहा। अब सवेरे 9 बजे वहां पहुंच रहे हैं, लड़की को हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब मुर्दा को देखिए आए। यदि विद्यमान है ही नहीं, इसका आप अनुभव कैसे करेंगे, इसका विज्ञान कैसे हो? यदि पहले से नहीं मालूम होता प्रवृत्ति होता क्या? यदि इनको पहले से मालूम होता कि भाई हम जा तो रहे हैं लेकिन जान से फायदा नहीं होने वाला, 2 बजे जाने वाली है वो स्वर्ग में, यदि इन्हें मालूम होता पहले से ही तो जाते ही नहीं। कि असत्य असद है नहीं जिस वस्तु, या जो नहीं हो रहेगा मालूम हो जाए उस वस्तु के प्रति कोई अर्थी की प्रवृत्ति होगी, किसके अंदर इच्छा होगा क्या मैं उसे प्राप्त करूं, इसके लिए मेरी प्रवृत्ति हो और मैं अमुक को प्रवृत्ति को अपनाऊंगा जिससे मैं अमुक को प्राप्त करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता जो वस्तु ना हो। यही लोक में देखने को मिलता है। और विद्यमान है मालूम था, अतएव अर्थी की प्रवृत्ति हुई, यही देखने को मिलता है। सती वस्तुनि एव अर्थी अर्थे अर्थितया प्रवृत्तिर लोके दृष्टा, असती वस्तुनि तु अर्थितया प्रवृत्तिर लोके नहीं दृष्टा। योगिनांच अतीत अनागत ज्ञान से सत्यत्वात्, एक और हेतु चकार से ईश्वर को भी, योगियों को और ईश्वर को भी, अतीत अनागत का ज्ञान तो होता है ना, और वह ज्ञान सत्य ज्ञान है, क्योंकि जो कह रहे थे बाद में देखने को वैसे ही होता हुआ मिलता है, मैंने अनागत ज्ञान को था, और कई ऐसा अतीत ज्ञान बताते जो सच है, इसे अतीत अनागत ज्ञान से सत्यत्व। और यदि कार्य पहले से विद्यमान नहीं है, असंश्चित भविष्यत घट ऐश्वरम भविष्यत घट विषयम प्रत्यक्ष ज्ञानम इत्यास्यात्, यदि भविष्यत घट असंश्चित, भविष्यत घट असंश्चित, यदि भविष्य में होने वाला घट वो अपने कारण में पहले से यदि विद्यमान नहीं है, असत्य यदि है, तो ऐश्वरम भविष्यत घट विषयम ज्ञानम, ईश्वर को जो होता है और योगी को जो होता है भविष्यत कालीन घट विषय ज्ञान, वह प्रत्यक्ष ज्ञानम मिथ्यास्यात्, मिथ्या हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। असंश्चित भविष्यत घटः, यदि भविष्य में होने वाला वह घट उसके पूर्व काल में पूर्व क्षण अवच्छेद में कारण में यदि विद्यमान नहीं है, असत्य यदि है वो, फिर तो ईश्वर को और भविष्यत घट विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे महाभारत आप यही देखते हैं, कृष्ण को भविष्य के प्रत्येक घटना का ज्ञान है, उसके अनुरूप उसने अमुक किसे कुछ कसम खवा देता है, किसे कुछ करवा देता है, किसे कुछ करवा देता है, तौलिया पहनवा करके भेज दिया गांधारी के पास, क्यों जानता था क्या होने वाला है, तो हर चीज भविष्य का ज्ञान है या नहीं उसको? यदि भविष्य का कार्य जो है वर्तमान में यदि जिस किसी भी रूप से यदि विद्यमान नहीं है, उसे ज्ञान जो होगा उसको तो मिथ्या ही होगा। जैसा वर्तमान कालीन आधुनिक ज्योतिषी का ज्ञान होता है, कह दिया तुमको भविष्य बेटा होगा, हुआ कुछ नहीं, क्यों मिथ्या ज्ञान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो था ही नहीं, वो झूठे बोल दिया उसने, ये नहीं वो था और उसको वास्तव में देख रहा है, वास्तविक सामर्थ्य है उसके पास, तो झूठा नहीं हो सकता, वो सद विषय का ज्ञान ही होगा, असद विषय ज्ञान नहीं। और ईश्वरीय जो भविष्य कालीन विषय का ज्ञान है और योगी को उनका जो भविष्य विषय का ज्ञान है, वह सब सत्य होता हुआ ही पाया गया है, अतएव वह वस्तु पहले से विद्यमान है ये मानना पड़ेगा। न च प्रत्यक्ष उपचर्य थे, उपचर्य हो तो प्रत्यक्ष हो कह रहे हैं, अब वो औपचारिक ऐसे नहीं कहना कि घट सद्भावे ही अनुमान।